अपनी माँ के नाम, हर एक माँ के नाम।
झंकार से चूल्हा जलाए रही है और लाश साथ से ईना ही होकर लकड़ी चिरवा ला रही है। उठो। अपने काम धंधा कर गए और तुमरी खटिया नाई चूटी पानी वानी लई हो या बिछोना बीड़ी फूकी हो यू नहीं कोई हिलने लगाई शर्मो नहीं आवत। उठो अब जाओ। जा रहे हैं भाई सवेरे सवेरे। सलाम सलाम। रुका यार। कहा घबराओ नहीं फटपटिया लीन है। अरे ले देओ कब तक पेट्रोल की जगह खून जलिए। का मील से आ रहे हो का? हाँ यार मार आखी कड़वाए रही राइट ड्यूटी लगी। ले फिड़ी पियो। लाओ और का सब ठीक ठाक? ललवा जवैया है बम्बई आज। अच्छा जाओ ने पानी साहब यहाँ भाई जी है। एक तो तनिक सारी बाल्टी ला ऊपर से भाई रही हम लई के आवत है उनका। हाँ कल से मजूरी माँ ठंडी कटी है रोजी ना। और दोपहर का खाना चाहे ना? सुना जाते सबको कटौती हो रही है या उस सुना है डीजल का दाम कुछ बढ़ गया है। सुना ड्रामा है। तुम सबके दिमाग में खोजड़ भरा है खोजड़। असली बात समझ में नहीं आएगी कभी। डीजल के दाम बढ़ गए किसे का अर्थ? अरे वो साला गवा नहीं अब तक। कोग्गा समझो का? अरे लल्लू लाल तिवारी ना कबाऊ कर्जा छोड़ के गवा है न जाएगा। निकाल हमरा 5 करोड़। अरे जाए दे परदेसी माफ करो एका जाए दो। एका साले का साथ ले जाओ जो बहुत लबरावा थे बतावा थे बहुत मेवे हुआ। हाँ हाँ धनी है लियो पैसा ना कौड़ी मदारन तौड़ी। अरे तुम लोग तो हाई होटल हुए। अरे यहाँ धरा का है और बम्बई मा हुआ। अबे सुबह से शाम तक कान का माल निकालो तब हम खड़े कर लो 10-15 रुपए कैश। और ये देखा जनाब आली गुलाम हसन साहिब काम नहीं धंधा नहीं लेकिन बांधे हैं गुलूबन। हम तो कहते हैं चलो सब चलो। अरे रह दो लल्लू बाबू बरगला हो ना सबका। मालूम है सबका जौन तुम बादर में चक्ती लगा ले तो। अरे हमका इनका यही रहेगा यही के सोचे का है। हाँ तो रहो और चाटो ठाकुर के तलवे। नहीं
तुम्हारे साथ चल के बंबई में कान का माइल निकाले, देखा सारे का बतावत है कान का माइल निकाले। चुप है, चल। अच्छा पुत्तू चल शुक्ला चल साला बॉय। सुनो तुम लोग, कटौती वाली बात करें तो साफ इनकार कर देना, कोई काम पे नहीं जाएगा। कह देना जाके सबसे कटौती करी है। काहे दिल छोटा करती हो अम्मा, अल्लाह चाहिए है सब ठीक हुई जाए। अब ठीक होए कर रही कागा है। फिर वही बात, देखो इलाही ठेकेदार के यहाँ से 3 रजाई आई है तागे के लिए, वो मजूरी और तुमरी का बात है। रजाई ताग के पेट भरी है या कर्जा उतरी है? कर्जा उतरी है, फसल तैयार खड़ी है, मुहर्रम के 7वीं लो चौथाई मिल जाई है। तुमरी का बात है, चौथियाई में मुर्गिन का भी तो पेट न भरी है। अम्मा तब तक शायद इनका कुछ काम। काम कहाँ धरा है, 8वीं तक पढ़े हैं, डलिया तो नाई ढोई पई है। इलाही ठेकेदार कहत रहे इनसे कोई कुछ नाई करी है, वही जब से कहा गए सबकी नजर बदल गई। कहा नाई रहे घर मां, हमेशा 4 आदमी का खिलाए के खात रहे तुमरे ससुर, जवार भर मानत रहे उनका। एक रोज किले से लौटे, बहुत खुश रहे उस दिन, यही दालान में बैठ के हुक्का पिया लगे। हम कहा का बात, बोले गुलाम की माए राजा साहेब आज विलायत जाए से पहले हमका गले लगाए कि कहीं आप मेरे बड़े भाई हो। राजा साहेब आए आए और ये पहले ही चल दिए, तब से तहस नहस मची है। जमीनों अमर सिंह हथियाए ली, बहुत अरमान रहे उनका भैया अफसर बनी है। शायद भैया आए गए। कह रहे हो इतनी देर से? देर कह दियो भैया। ये 6 खुराके हैं, यू पान तंबाकू सब बंद करेगा पड़ी है। ललवा मिल गवा फिर दवा ले चले गए, कल जा रहा है। कहाँ? बंबई? नहीं करबला। ऐसो कल जातवार 5 रुपए माफ। चल ए गुलाम, सुना कब तक यहाँ बैठे रहोगे? भैया तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो बैठे बैठे से काम नहीं चलेगा। अब बैठो। अब कब चक्कर लगी है? अब तुम आओ गुलाम, बस आए भर जाओ और सब मामला हम यूं फिट कराए देंगे। हाँ आई तो जाई पर घर कहीं पे छोड़ी? अरे अम्मा पे छोड़ो और कहीं पर, हम नहीं छोड़े का। अब हम जा रहे हैं तो हफ्ता भर तो चिंता में सोई ही नहीं, अकेले रोई रही थी तो हम कहा जाओ गुलाम के यहाँ बैठो जाएंगे। अबे ओ चंदवा, अरे नाश्ता नहीं किया का? देर हुई गई भैया का गए, हिया धुकुर पुकुर होए लगत है। महतारी का दिला ऐसा होता है, कोई का करे। हमरे जी से पूछो जो बीतत है, का बताई। बादर हिया गड़गड़ात है, सोचित है भैया कहूं भीगत न हो। कौर मौका ले जाए थे, सोचित है भैया खावा हुई है कि ना है। भैया बद रसावल बनाए रहे, दूध हो पका रहे, भैया खाए ना है। धरे धरे खटाए गई, चाची बिठाया है लल्लू को, जगह भी मिल गई, अब आप चिंता ना करो। जियो भैया, कार्य कोसन का सफर है, 2 दिन में पहुंची है कहूं।
दुई तीन दाएं तो गाड़ी बदले पड़त हुई कि नहीं जिया। अच्छा बेटिया चलिए बैठो, जिया चली जाए, पूजा पाठ करेगा है। नहीं आ चैन न हुआ चैन, पता ना है का जादू है इस हक, गांव घर में जिया ना लागत, कहीं से हियाँ रहो तो बतावत काम का करे, पैसा कहाँ से। अब ये बात का क्या जवाब। अरे बैदो इनका काहे निकाल दियो बाहर। तनी आजा इसे घूमा ही देवा माँ, बेचारे पूरे दिन तो बंद रहत। चील कौवा झपट्टा मारी, अरे करके रही जाइयो, तनी अक्कल से काम लिया करो, ऐसा ही मुर्गी कम है घर में। अरे जब निकाले रहो तो थोड़ी देर घूमा ही देव। का बीड़ी पियत रही हो जिंदगी भर, यू ना है कि कोई काम ही धंधा देखे। अरे हिया ना है तो मिले में जाके देखो, कोशिश तो करो। मिल में छटनी चल रही है, काम कहाँ, कुछ मालूम है तुम लोगों का? आजकल एमए बीए नखलाओ में रक्षा चलावत है। और वो तुम्हार जो पुतवा है? अरे वही मैं पुतवा का करिए, कह जो रहे कि मिल में छटनी चल रही है, खामखाई तो ऐसे काहे हो, नाश पानी मुर्गिन भर का रहेगा वह घर में। फसल कटी कब की रखी है, ईना है कि जाए ठाकुर के यहाँ से अनाजे ले आवे जाए के। धन्यवाद। हाँ का कही सो राम जीवन वा? राम जीवन वा कहते छठ टपकत है, ठीक कर रही हो तो करावा मिलिए साहेब, बहुत ऐठत है। गुप्ता जी से क्यों नहीं कहो? गए रहन साहेब, गुप्ता जी गए दिल्ली। आए चाचा। हाय का भरम भोज है, भेड़ा के बाबा कहा थे दसमा नाटा अर्जेंट ही। तो दे दो, तकलीफ का है? कहा थे पैसा बाद में मिली है। मैंने कह दो। सुनो चाचा, अब का है? बाबा से बोल दो बात हमसे कर लें, तुम पिसाई शुरू कराए दो। अच्छा आप सुने हो साहेब,
कपराहा के बच्चू पंडित चमारण टोला में आग ही लगवाए दी। मजूरी मांगत रहे साहेब बढ़ाई के। अच्छा, भुट्टा से भुन गए तब? हमको तो खबरें ना है। आपका तो नाक के नीचे की खबर ना ही रहत। यहाँ कपराहा की तरह आग पानी करेगा पड़ता तो का भवा। एक कपराहा में जला, दूसरा कोटवारा में सही। अब की कटाई में दातन तले पसीना आएगा वा। और का इलाही के सब जन लगे रहे ताजिया बनावे। आओ लखना चमार के सब जन अब कहे पुतवा के कहीबे में आई के कहे मजूरी बढ़ाओ कटौती नहीं चलेगी। देवकली और रसूलपुर से जन का इंतजाम भवा, तब जाए के कटाई हुई पाई। ये पुतवा का कोई इंतजाम होएगा चाहे, इस अरऊ बहुत कूदत है। गुलाम आओ बैठो। नहीं, सब ठीक ठाक? सब ठीक है। हम कहा कि वो भाई चौथाई अपनी वक्त से ले जाया करो, चूहा मूस खाए जाए तो कहीं हो कम दिन। जाओ गुलाम को चौथाई दे दो। जी शुक्रिया। पहुंचाए दी। अरे ओ गिरधारी, यू का है तुम्हारी चौथाई और का? मजाक ना करो यार। मजाक की कौन ही बात है, जितना तुम्हारे हिस्से में आया मिल रहा है। का है? दस मन होत रहा वही होना चाहिए, ऐसा का है? हम ठाकुर साहब से बात करी बा? अरे उनसे का बात करियो, हम बतावन हन। मस्जिद के दखन वाला चक तुम्हारा नहीं इलिए। तो फिर की का है? तुम्हारा है? हाँ, रुको तुम, हम अभी बतावत है। हमारा नहीं है तो फिर की का है? ठाकुर साहब यू का बात है, छोटे कट्टा भर अनाज दिखावत है, बतावत है मस्जिद वाला चक हमरा नहीं है। ठीक कहत है। कहा ठीक कहत है? सारी दुनिया जानत है वो जमीन हमारी है। तो दुनिया गले जानत है। सुनो राजा साहब, वो तुम्हारे बाप की मिली भगत रही। राजा साहब हमारी जमीन का पट्टा तुम्हारे बाप के नाम कराए देन, हम वापस ले लिए। अपनी जमीन को ही छोड़े थे? अरे तो फिर हम अपनी जमीन कैसे छोड़ दी? ये तो बिल्कुल गलत बात है ठाकुर साहब। अब हमका गलत सही मत समझाओ। रहमत चौथाई ले तो दे दो, नहीं भाग करो। चला अरे राजो, अरे बदतमीजी कर रहे कल इतने वक्त कहाँ हुई हो? पता नहीं। लौटी हो का?
देखो अब राजदेव ना जाओ। आओ भैया रोटी खा लो। आप खाओ। अब खा लो रोटी। रोटी पुसा के खाओ। Thank you.
भाई साहब क्या दिल लेने, तुम क्या समझा रहे, क्या ड्रिंक वेडिंग लेके बस में जाएगा? चलो बाजू उधर आ जा, अगर स्टार तो उतर जाने का। अरे अरे पेटी संभाल भाई, तेरा पेटी देख लग रहा है। चल राइट में खड़ा जा, राइट में उधर रॉड पकड़ के। चल भाई साहब, मैंने बोला ना तुमको छुट्टा नहीं। अरे नहीं है छुट्टा तो क्या बोला, मगजमारी नहीं करने का। मैं बोला ना सीधा पुलिस स्टेशन गाड़ी लेके जाएंगे। अरे अरे एक कंडक्टर साहब, मैं देता हूं उसको छुट्टा। हां भेजा तो सातवें आसमान पे चढ़ने लगा। हां जी किधर जा रहे हैं बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है साहब, ठीक है, ऐसा हो जाता है, गर्मी पड़े ना बंबई में बहुत जाती है। ए भाई, ए उधर बैठने का भाई, खड़ा नहीं रहने का, चलो बैठो। सुनो भैया। अरे अपन तुमको भैया दिखता है क्या? क्या है भाई? वो क्या है कि वो लल्लूलाल तिवारी यहाँ रहता है। कोई लल्लू बिल्लू नहीं है। अरे हाँ वो टीसी चला दो। हाँ वही, मैं उसके देश से आया हूँ। अरे हाँ वो जाड़िया, संडास के बाजू वाली तीसरी गली में रहता है। अरे छोकरा, इसको वो संडास दिखाना, सरकारी संडास। म्युनिसिपल डी है। तीसरी गली में छोड़। चले चले भाई, चालीस सुनते रहे भाई। अरे वो लल्लू लाल तिवारी यही रहते हैं? आगे वो आगे। अच्छा मुझे अंडा खा। अरे साला आप अपना क्या घर में भी कोई नौकरी करता है क्या? 8 कलाक के बाद में पावलो का। अरे सुनो भाई, वो लल्लू लाल तिवारी की यही खोली है। हाँ हाँ हाँ। वो नहीं है अभी। हाँ पता नहीं, आए आए वो आएंगे। हाँ हाँ। हम यहाँ बैठ जाए। हाँ हाँ। अच्छा आप घर में आता है कि ठीक है दादा, दस अपना ही जाए। तुम बात बात सुनो ना, तुम घर का रहते हो बेटे। अरे क्या क्या देखते क्या है, सबको अपना ऑर्डर मानने को मांगता है, नहीं तो अपन तो एक कान का नीचे आवाज निकालेगा ना। फिर पैसे एक पैसे पर हमारे तुम्हारे दादा ऊपर दादा काम के लिए मुर्दा काम को बोला लिया को ना, कोई दी गई बेकार बेकार को कोई सवाल करे तो गलत करे थे। वो जमाना रहा तो एक आना मिले ना, और के बाद जमाना बदला दू आना मिले, छह आना मिले, पांच आना मिले। जहाँ चार आदमी काम करते अपने साथ बंकस नहीं मांगते, माता पोड़ी कुछ नहीं मांगते। चार ही पाव खाना है, चार खाने के हिसाब लगाओ, 16 रोटी पे यो कई रुपये भाई, वो तो हिसाब लगाओ, बाजार में जाओ तो 16 रोटी ले दो, फिर रुपए दे। अरे तुम हमसे बात करो, लौंडन से बात नहीं दिखाते भैया, तुम लौंडन के लाड़े से बात न करो, हम हमारी तुम्हारी बात है, हम कल बाजार तुम वही लौंडन लाड़े। कौन है भाई? अरे गुलाम तुम कहा यार, चिट्ठी ना आई, पत्री ना आई, लेकिन मान गए कलेजा तुम्हारा गुरु है। इस शहर में सब महारथी रहते हैं, जिगर फोड़ा चाहिए यहाँ आए के लिए। आ जाओ अंदर, चले आप आओ। अरे यार तुम यहाँ रहा थो? ये तो है ताजमहल नंबर एक, 2 नंबर का ताजमहल आगरा में है, जो शाहजहां बनवाई से रहा अपनी मासू की याद में। बस यही का मारे हम तो का खबर नहीं कर पाए। अच्छा घर में बहुत रोकिन, पर हम कहा कि अब तो जाए का है बस। ठीक है ठीक है, सब ठीक हो जाए। जा रहा था वो टायर कितने का है? हमका का पता है यार, अब सोई जा, सुबह पूछ के बताई। ओ, 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 ओ,
भगवान। उदेक उदेक, यह है वो फाटक जो जॉर्ज पंचम की स्वागत में गवर्नमेंट मनवाइस रहा, और यह है ताजमहल नंबर 3 बंबई वाला। यहां राजा महाराजा सेठ साहूकार चोर उचक्के सब बराबर है, सब पैसा फेंक तमाशा देख वाला खेल है राजा। जात है जात है, ऐसा ऐठत से दरोगा हो। चल यहाँ पे एक बहुत बड़ा काले घोड़े का स्टैचू रहा, यहाँ के राजा रहा हुआ एकदम बिजली सिहा कुमेत राणा प्रताप का चेता समझो, एक एक्सीडेंट में जान जाते घोड़ा हटाएगा ही नहीं। और सुनो, अबे अंग्रेज रहा इसलिए हाथ अंदर करा, बस आओ। सीढ़ी वाला मकान कहा? अब ये सेंटर लाइब्रेरी है। कहा है सेंटर लाइब्रेरी, बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ नौकरी करते हैं। कहा की नौकरी? अरे यही लिखा पड़ी का काम, माथा पच्ची और का वही इलाका है बिलाड स्टेट का। यहाँ का एक राजा था बहुत बड़ा, बिलाड रहा उसका नाम, वही राजा का स्टेट है, सब जमीन जायदाद वही की है। वो काला घोड़ा का यही राजा का रहा ये बात? अरे गुलाम तुम्हारे दिमाग में सब गोबर नहीं है, थोड़ा कान का मैल भी है। अरे यू तो अपने किले से भी बड़ा है यार। अरे भूल जाओ इरा किला, शहर बंबई के नजारे देख लो, फिर ना कहना कि लल्लू लाल तिवारी के मरफतदारी में। लो बीटी आई गवा। बीटी का बीटी? अरे बीटी स्टेशन और का, यही तो उतरे थे तुम, बंबई आए वाले का पहला कदम यहाँ ही पड़ा था क्या बंबई सेंटर? बाहर से बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा। यही शान है इस शहर की, बाहर से हर चीज आला दिखाई दे और अंदर सब झोल झाल क्यों करो? लग गया पानी। अब आओ तुम इस शहर का पेटर देख लो, यही साला काहे रह जाए। फिर चलते हैं मुसाफिर खाना, पोस्ट ऑफिस। पेन लाए हो ना? काहे? अरे मनी ऑर्डर फॉर्म नहीं भरना का? सिनेमा हॉल में बैठे बैठे साली हमरू तो कुल्फी जम गई थी, सर दर्द करे ला गया। बहुत देर से रुकी का? अरे वही यार। ओहो तो पहले का है नहीं बता, चलो लपक ले, लंबा जाए के 7 बजे का टाइम दिया है। चलते हैं यार। अच्छा यार बताओ तो ही तुम्हारी जसोदरा है कौन? सबर करो सबर करो, सब पता लग जाएगा। अरे भाई जरा खसक के बैठो यार। यार यहाँ तो भीड़ का कौन हिसाब ही नहीं, कहाँ कहते रहो तुम है? कहाँ कहते रहो? हाँ यो बड़ी बड़ी आंख है, आम की फाक समझो, और नाक नाक समझ में नहीं आता, और गुलाम मिस्री गुली आवाज चलत है तो बस। भगवान कसम गुलाम जब से मिली है हमार तो जिंदगी बदल गई। वो तो देख रहे हैं। हम हटो यार, साले गोदी में सोएंगे। क्या तुमरी? ना अपनी नहीं, 72 मॉडल। ओका बापो भी टैक्सी चलावा था। कौन? ओका बापो, जसोदरा का बाप, बड़ी स्टूडी बेकर गाड़ी। मतलब ये लोग का अपनी तरफ के? नहीं नहीं नहीं, रत्नागिरी के। कहाँ के हैं? रत्नागिरी के, कोई 30-40 साल पहले आए हैं। ये बड़ी लड़की है जसोदरा, एक बेटा है हरामी साला, ना काम ना काज ना कुछ। मतलब तकलीफ में है बेचारे? अम्मा यार तकलीफ में कौन नहीं,
एक भाई है जसोदरा का चाचा, खुद तो डूबे साथ में भतीजे को लेके डूब रहे। का मतलब? हमारा मतलब के छुट्टा है, काम काज कुछ करत नहीं। अब बड़ी टैक्सी का टाइम तो चला गया, आ गए रास्ते, बाप पगला गए। कौन? हमारा जसोदरा का बाप तो पागल हो ही गवा है, पेट्रोल मांगा ढूंढता है। मैंने क्या बना दिया, क्या हालत बना रखी। आई कितना खांसता है बाबा, इसको कोई दवाई नहीं दी? दवा खाता ही नहीं, मैं क्या करूं? किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं है, मेरा कुछ फिक्र नहीं, बस इधर थोड़ा पेट्रोल मिल गया, इधर मेरा तबीयत बराबर। तेरे को बोला था पेट्रोल लाने का, लाया क्या? फिर क्या पेट्रोल पेट्रोल लगा रखा है, पैसा है क्या पेट्रोल के वास्ते? है तो बोल। ये मेरा लड़का बोल रहा है मेरे को, मेरे से पैसा मांगता है, साला क्या जमाना आयला है। आई तू काय को रोती है, मैं है ना, ले ये रख ले, ले। बोल देगा हाँ, पेट्रोल लाके देगा। क्या हो गया भाई? कोई मानुस आ गया ट्रेन के नीचे, खल्लास क्या? अभी क्या बोलेगा, इधर तुम उधर मैं, अरे खल्लास हो गया तो भी अपुन को क्या, अपना तो खोटी होने ला ना। अब भी मरने वाला तो गया, गाड़ी को रोक के क्या होएगा? चले कोई यही गाड़ी मिली थी मरने के लिए, पटरी से हटाने का और गाड़ी स्टार्ट करने का, पैसेंजर लोग का गाड़ी को टाइम बर्बाद है, पंचनामा होएगा तभी हटाएगा। कुछ यार जी मिसला है, कोई जिंदा यार यहां के लोग भी अजीब, अगला तो जान से गया और इनका देर की पड़ी। हमारा रोज पांच सात आदमी कट के मरत है, एक्सीडेंट का ये सब तो आदि हो गए बात रखे। तुम हो आदि हो गए, देख जाओ सबकी तरफ तुम हो आदि हो जाइयो। अरे जसोदरा आप बचते तेरे साथ? अरे ये हमार दोस्त है लंगोटिया गुलाम, हालांकि लंगोट तो हमने कभी पहना नहीं। ए गुलाम हमारी जसोदरा है। नमस्ते। चल क्या हुआ कि जैसा उन लोग फिल्म देख के निकले ना, तो मैं गुलाम को बोला तेरे को जसोदरा से मिलाऊंगा। क्या लालू हमेशा जसोदरा बोलता है, यशोदरा बोलना आता नहीं क्या? अरे मैं जसोदरा तो बोला, मैं तेरे को भी जसोदरा बोलाऊं क्या? ये स्कूल में भी हमेशा युधिष्ठर को युधिष्ठर ही कहता था, बहुत मार खाई बेचारे ने। अच्छा बेटा। तो मैं क्या कह रहा था? अबे मोटू। अबे मोटा तेरा बाप, किसको मोटू बोलता है? अरे लाइन मारता है। जान ना पहचान, मोटा बुला रहा है, लाइन मारता बोलता। मोटा तो तू है पर लेट क्यों आया तू? अरे लेट इसलिए आया कि वो एक्सीडेंट हो गया था। अरे झूठ मत बोल। अरे सच बोल रहा हूँ, उसके जो बदन के दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े हो गए। पूछो उसको, हमेशा ड्रामा करता रहता है। अरे बाबा सुनो ना, चल चल। अरे तो क्या हम लोग बच गए ना, तो हम लोग भी मर गए होते दोनों साथ में। आज तक कभी टाइम से आया तू? तो क्या कह रहा था मैं कि हम लोग हाँ इसलिए लेट हो गए ना, तो हम लोग लेट थोड़ी होते, हम लोग टाइम पे आने वाले लोग, हम लोग यूपी के हैं इसलिए। इतने में पैसेंजर आ गया, कहा कुरला चलो। हमने कहा साहब कुरला नहीं जाएंगे, सांटा क्रूज जाएंगे। कहा हम चलेंगे तो सांटा क्रूज चलेंगे। मैंने कहा हम पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। हाँ ले चलिए। हमने कहा अच्छा सिगरेट है? बीड़ी है?
अच्छे से सिगरेट ले ले। अरे रामप्रसाद कहाँ है भाई? आओ भैया पान खाओ। हाँ हाँ खाएंगे। कैसा? मैं तम्बाकू लेंगे। आप भैया? जी। अरे भाई रामप्रसाद ये गुलाम है, अपने कुटवारे के ही है। अच्छा अब यही रहिए। अरे ई सार माँ तो अब हमका ही देखियो, 35 बरस हो गए। कब आए भैया? कल ही आए। लियो पान। अरे सिगरेट दला भैया। अरे पैसे तो भूल गए। तोरे वालिद का क्या नाम? अबरार अली। अरे बड़ी खुशी भाई तुमका देख के, हम दोनों साथ साथ पढ़त रहे देवकली स्कूल में। अच्छा। अरे रामप्रसाद तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? फल फूल रहा है। अरे परेल में एक वैद है। वैद हकीम कुछ नहीं चाहिए, दर्द कमर के साथ ही जाएगा। अच्छा ठीक है, इनके लिए कुछ काम बताओ। काम? महाबली सिंह के पास चले जाओ। अरे पहले काहे नहीं सोचा, चलो बेटा तुम्हारी कौड़ी फिट कराए देते। अच्छा रामप्रसाद चलते हैं। सलाम। खुश रहो। अरे रामप्रसाद मेरे ख्याल से तुम उस वैद के पास चले जाओ। अच्छा चल बुला। अरे वो तो उल्टा अखबार पकड़ के परसों की खबर पकड़े की तुम्हारा भाई है अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए। राम राम। राम 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 राम। ये कौन है भाई? परसों ही आए गांव से। कुछ चाय पानी हो जाए? अरे चाय पानी तो बाद में हो जाएगा दद्दू, पहले काम की बात करें। बोलो। ये गुलाम है, गुलाम हसन। हमारे घर गांव एक ही है, अब ये आए हैं कुछ काम का इंतजाम करवा दें। कुछ जानत है? काम तो ये कभाऊ नहीं किए हैं, अब सीखेंगे। जो बोलो सो करें, सब तुम्हारे सामने है। जो बताई हो वो करिए। कहाँ बताई, दुई चार गाड़ी हैं, धोआ पोछा करें, इनके लायक तो काम नहीं है। लेकिन पूरी नहीं तो आधी सही। आधी नहीं कौर चली है। क्यों भाई? जी ठीक है आपका बात। अरे छोड़ा दद्दू, कल से इनका मीटर डाउन कर दो और आप शुरू हो जाए। है बड़ी ढीठ है बच्चा। अम्मा कौन हुई है? बशीरन हुई है। और कौन? कौन? हाँ बम्बई से। अम्मा घरो नहीं, मनी ऑर्डर आवा है। मनी ऑर्डर? यू मनी ऑर्डर का को आए? मैं रसूल बात आ जाए। हाँ अच्छा तो तुम हो रसूल बकस, किरिस्तान हो गए हो का? अपन नामो बदल लिया। भैया मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ मुंह मीठा कराए। अल्लाह रखे गुलाम भैया को पैसा मनी ऑर्डर भेजना है। ठीक है तुम कहो मुबारक हो। लो और चिट्ठी। कुछ लिखा है? अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाओ तुम और पैसा दो हमें। भैया सरकारी कानून है। अरे तुम्हारी सरकार। हाँ। तुम्हारा कानून। हाँ। खत्म हो गया। और एक यहाँ। और एक बेटिया गवाही का दस्तखत अंगूठा लगाई दो। कहाँ दस्तखत ना कर ले? माफ करो बेटिया अंगूठा कहाँ? यहाँ बजिया ये लो, 70 हैं पूरे, गिन लो। अच्छा भैया जियो। मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, लल्लू के साथ रहता हूँ, अभी उसी से पैसे लेकर भेज रहा हूँ। आते वक्त इलाही चचा से 20 रुपए उधार लिए थे, वो चुका देना। अम्मा को ज्यादा काम मत करने देना, फिक्र न करना। लल्लू के साथ काम करने के बारे में जाऊंगा। तुम्हारा गुलाम। शुक्र अल्लाह का।
लो साला फिर हुई गवा फसा। कल रात बंबई के उपनगर जोगेश्वरी में दो दलों के बीच पुराने मनमुटाव को लेकर लगभग 8 घंटे तक पता लद्दू। ये राम प्रसाद पीठ के पीछे पटड़ा काहे लगावत है? अरे 25-30 साल टैक्सी चलाए लोगे तब समझ में आई है। ये वालन की पीठ ही है। ये गोंडे का जिगर चाहिए, गोंडे का। क्या हुआ टूब को? बाल बढ़ गया। आजकल का माल ही है। कहा घर पे तेल वेल नहीं है? यानी तेल लगा। काहे टैक्सी चलाना ना ही सीख ले थो? अरे सेठ कहते हैं सीख लो, चाइना से अच्छा है। और क्या, सीख लो। ये तीन पैडल का ख्याल रखो, समझे? ये क्लच, ये ब्रेक, ये एक्सेलेरेटर। तीन पैडल, क्लच गियर चेंजिंग के लिए, ब्रेक रोकने के लिए, एक्सेलेरेटर स्लो फास्ट के लिए। ये गियर लीवर 4 दफे चेंज किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आस्ते से थोड़ा सा एक्सेलेरेटर चलते जाइए, एक्सेलेरेटर दबाइए, चलो मोशन दो, चलाओ भाई। अब एक्सेलेरेटर छोड़ दीजिए, क्लच दबाइए, खींच के अपनी तरफ से खींच लीजिए, क्लच छोड़ो, एक्सेलेरेटर दबाओ, चलो। तो 10 राउंड इंजन होता है और 1 राउंड पिछला पहिया। सेकंड गियर डाल दिया तो 8 राउंड इंजन का, पिछला पहिए का 1 राउंड। थर्ड गियर डाल दिया, आपको वहाँ से यू टर्न लेना है, वापिस आना है, तो टर्निंग है। अभी से आप राइट का सिग्नल दीजिए और ब्रेक का पैर रख लीजिए, गाड़ी स्लो कीजिए ब्रेक मार के, और आस्ते आस्ते राइट पोजिशन पर आ जाइए। स्लो थर्ड गियर लगाइए, क्लच दबा के थर्ड गियर डाल दीजिए, और अभी और गाड़ी मोशन में आने के बाद फोर गियर लेना चाहिए। अभी ये चेसिस है, एक्चुअल गाड़ी है, अभी आपको यहाँ से चलाने का स्टार्ट करके ले जाना है। क्या करोगे? अभी मार के स्टार्ट, चाबी मार के नहीं, पहले आगे पीछे देखो और स्टेयरिंग किधर घुमा के रखा वो देखो, नहीं तो राइट में घुमाया होगा और डंडा ऐसा डाल के हाथ बाहर रखा तो गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ जाएगी, ये देख लेगा। इसके बाद सिग्नल कल छोड़िए, चलिए राइट का सिग्नल दो, एक्सेलेरेटर दबाओ, बढ़ाते रहो गाड़ी। अब ब्रेक का पैर रखिए दोबारा, आस्ते आप क्लच फुल ब्रेक छोड़िए, क्लच दबा के सेकंड गियर, फुल क्लच सेकंड गियर, सेकंड बनो, हाफ क्लच, फुल राइट टर्न, चलिए फुल राइट टर्न। इसका गौर से सिंगल देखो, 1 नंबर स्टॉप, 2 नंबर भी हाथ अलग तरीके का है लेकिन स्टॉप का है, 3 नंबर वो भी अलग पोजीशन में खड़ा है लेकिन स्टॉप का सिंगल है, 4 है वो भी जाने देने का, 5 वो भी जाने देने का, 6 वो भी जाने का। गाड़ी पर जो फोटो है, स्टॉप का सिंगल है, लेफ्ट का सिंगल है, राइट का सिंगल है, स्लो डाउन है, साइड में नहीं देखना, तो गाड़ी किधर और सुरक्षित चली जाएगी, लेफ्ट साइड। और देखिए ब्रेक का पैर, सामने कार आ रही है, ब्रेक का पैर है, हमारी गाड़ी राइट में आ रही है, वाली गाड़ी हॉर्न बजाता है, बहुत गड़बड़ है, साइड मांगता है, तो तुम क्या करोगे उस टाइम? रो के पूछती है बानू शहज़मन से, रो रो के पूछती है बानू शहज़मन से, कड़ियल जवा की मैयत किस तरह लाए रन से, रो रो के पूछती है कासिम चले जो रन को कुबरा, तड़प के बोली कासिम चले जो रन को कुबरा, तड़प के बोली किस तरह सब्र होगा, किस तरह सब्र होगा, एक रात की दुल्हन से रो रो के पूछती है झूला जो खाली देखा, रोकर सकीना बोली झूला जो खाली देखा, रोकर सकीना बोली
आज मुहर्रम की सातवीं हो गई। भैया का गए पूरा एक साल हुई गवा। अब मजलिस जाए कोई का भेजे अनाज के लिए चिट्ठी। जरा देख तो, जरा जरा सी बात में दूसरे इनके मुंह ताके का पड़ा था। पढ़ो लिखा है। जनाब वारिदा साहबा आदाब, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आप लोगों की खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहता हूँ। बहुत दिन से आप लोगों की कोई खबर नहीं मिली। मेरा जी घर में लगा रहता है, आने को बहुत दिल करता है, लेकिन हालात की वजह से नहीं आ पाता। मैं मोटर चलाना सीख गया हूँ, लाइसेंस मिल गया है। जल्दी ही मैं लल्लू की तरह टैक्सी चलाने लगूंगा। वो खैरियत से है, आपको आदाब कहता है। अपनी तरफ के लखीमपुर के राम प्रसाद भी हैं, 30 बरस से टैक्सी चलाते हैं। अब्बा को जानते थे और सब खैरियत है। हमारी तरफ से कोई फिक्र न करें, चहलुम करने आऊंगा। तुम सैर कराओ, हम गाड़ी के पास वहीं रुकते। हाँ, लगा दो। फर्स्ट में उठाना उसको, फर्स्ट में। अरे दीवार का किला चाहते थोड़ा था। मैं सच बोलता हूँ, कसम से तेरे मिलने से पहले अपनी जिंदगी तो एकदम कड़के की पॉकेट की तरह थी, लेकिन अभी तो एकदम बिंदास है। अरे ऊंट पे बैठी, अरे कमर टूट जाएगा इसको तो। अरे जसोदरा, एक बात में तो अपना हवा निकल जाता है। क्या ये इसके लिए जगह ढूंढने में ना इसका पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। इधर बैठेगी तू, इधर चल, इधर बैठ। सफा करता हूं। सुधरा तू है ना बहुत अच्छी, इधर नजदीक आ, मैं काटता हूं क्या तेरे को। ए लालू, तुमको समझ में नहीं पड़ता कितना टाइम बोली मैं। कहा इधर नहीं कोई। क्या हुआ, कब तक हम ऐसे पब्लिक में बैठते रहेंगे? हमको ऐसा अच्छा नहीं लगता रे। तू फिकर नहीं कर, मैं ताजमहल खरीदने की बात करता हूँ मैनेजर से। हट, हमेशा मस्करी, कभी सीरियस नहीं होता है तुम। अरे मस्करी नहीं करेगा तो क्या करेगा? ऐसा कब तक चलेगा रे? घर नहीं बांधने का है, शादी नहीं बनाने का है। शादी तो आज कर लेते हैं, लेकिन घर कहाँ से लाएंगे? तुमको रखेगा किधर? गोपी भैया की खोली तो गांव में रहने का है। मैं किधर भी नहीं जाएंगी, मुझे इधर ही मांगता है और अपना खोली मांगता है क्या? जब से आप गए हैं अम्मा दिन रात याद किया करती है, यहाँ के लिए जी नहीं लगता। हम लोगों को बंबई क्यों नहीं बुला लेते? यहां कब तक अकेले रहेंगे हम? अब बहुत याद आते हैं। लल्लू कहां है? शहर को गए, अभी आते ही होंगे। कोलाबा में 41-43 का एक्सीडेंट हुई गवा। क्या हालत बहुत खराब है। चलो हम बताते हैं लल्लू से। क्या हुआ? राम प्रसाद का एक्सीडेंट हुई। अरे कब? पता नहीं, अब जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो, अब बैठो।
अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो, अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साथ से कल रात डर गया यारो, अजीब सानहा हर एक नक्श तमन्ना का हो गया धुंधला, मर गया यारो, सुना है आज कोई शख्स मर गया यारो, अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो, अजीब सानहा। राम प्रसाद 30 साल तक टैक्सी चलावत चलावत आज खुद ही चल दिए। थोड़े दिन मां हम और टैक्सी चलावे लगवा, पता नहीं कब तक। अरे भाई जरा हंसते चला ना, ये सारा डॉक्टर ने हमको बोलता जा गई कि ऊपर एंटीबायोटिक इंजेक्शन खोज दिया है कि नहीं, तो जरा हमको टकली पटा है, हैरान कर दिया हूँ। रास्ते रास्ते क्या करता है तो भाई, क्या तुम फायर का गुम्बा चलाता है कि टैक्सी चलाता है? जरा डीलर से कहो नहीं भाई, तो हमारा स्पेयर था डीलर मिलता नहीं है। और इधर देखो नहीं कितना फर्स्ट क्लास टॉप सब पेस्टन जी का बंगला था, उसकी जाके में वो क्या साला कबूतर खाना बांध दिया है। अरे अरे तू आगे देखो नहीं, तू बिचारी का क्यों देखता है? तुमको इसमें सब क्या मालूम? तुम
ये कुछ नहीं मालूम, तुम तो इस वक्त बहुत छोटा बच्चा था और दूध पी जाता अंगूठा चुनता था। अरे चलो नी, इतना दूध स्टार्ट हो गया, जरा तेजी से चलाओ नी, क्या हुआ? अरे कहा तुमको जाओ और गाड़ी का लाइसेंस लेना मांगता था, मगर पकड़ का ये टैक्सी का लाइसेंस लिया। अरे अरे फेरो फेरो फेरो, हम पकड़ तुम किधर लेके जाता है? अरे हमारा जाना तो पीछा नहीं ले गया, ऐसा करके तुम पैसा बनाता है, हम तुम्हारा आदमियों में कंप्लेन करेगा, हम तुम्हारे ऊपर केस लगाएगा, हम तुमको मोबाइल कोर्ट में ले जाएगा, तुम क्या हमको मामूली? अरे बाबा, हम मोड़ के रोक देते हैं और आप एक्स्ट्रा भाड़ा भी मत दीजिए। अरे किधर किधर से आते हैं? कोई सलाह अपने को टैक्सी नहीं चलाने देता, बोलता लड़ा देगा, कोई सलाह अपने को पेट्रोल नहीं देता। ला, ला, मेरे को पेट्रोल दे। इसमें पेट्रोल नहीं है, खाली है, खाली है। मेरे को थोड़ा पेट्रोल दे, तेरा भी तो गाड़ी चलता है। मेरी गाड़ी भी बंद है, आज मुझे भी पेट्रोल चाहिए। तेरे को भी पंपिंग स्टेशन वाला मना किया? पंपिंग स्टेशन वाला मिला ही नहीं आज। मिला नहीं? अच्छा तुम जाओ तपस करो, है? मेरे को मिलेगा मैं बोलेगा, तुम जाओ तपस करो। जनाब वालदा साहिबा आदाब, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं पिछले हफ्ते से टैक्सी चला रहा हूं, अजीब अजीब लोग मिलत हैं, अजीब अजीब रास्ते पूछत हैं, बैज निकालने और वर्दी में काफी पैसा लग गया। मैं कोशिश में हूं कि कुछ पैसा जमा हो जाए तो घर आ सकूं, आने जाने ही में 150-200 रुपए लग जाएंगे। कितने दिन रहने के बाद भी लल्लू के पास अपना कमरा नहीं है, वो कुछ लोगों के साथ रहता है। चारपाई भर की जगह मुझे भी मिल गई है, ये सब देखकर दिल करता है कि घर आ जाऊं, फिर सोचता हूं दाल रोटी कैसे चलेगी। यशोधरा के बाप शंकर ने 20 साल तक टैक्सी चलाई, अब कोई उसे गाड़ी नहीं देता, और मैं कल का आया आज शान से गाड़ी चला रहा हूं, ये सोचता हूं तो घबराए जाता हूं। टैक्सी टैक्सी ड्राइवर कफ परेड, जरा जल्दी। हाँ सुनो, ये तो कुछ भी नहीं, लास्ट ईयर हम लोग आए थे ना, उनको सीरियस से फर्स्ट क्लास पीस मिल गया था, मगर जर्मनी से इनके मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ आए और उनको प्रेजेंट किया, तब बॉम्बे ट्रांसफर हो पाया। मिसेस शाह, हाउ लकी यू आर, कितना क्यूट पीस है ना। अरे मगर कौन सा हमारे पास लेने वाला है भाई, वो रामस्वामी है ना, इससे कहा उसको कि आप दिल्ली जा रहे हो तो कुछ लाई। अब ये गुलाब लाई नहीं। हेलो, तुम्हारी चिट्ठी शाम को मिलना, इंतजाम कर देती हूँ। अच्छा, वही पानी पैकिंग करके बस दे देंगे। आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहते हैं। आगे हाल यह है, गए जुमेरात अम्मा दलान में फिसल कर गिर पड़ी, कूल्हे की हड्डी टूट गई, अभी अम्मा घर में ही हैं। पुत्तू भैया डॉक्टर लाए थे, उसने कहा जल्द से जल्द लखनऊ के अस्पताल ले जाओ वरना हालत खराब हो जाएगी। अम्मा को बहुत तकलीफ है, रोती रहती हैं, कहती हैं भैया को लिखो वापस घर चले आए, बहुत हो गया बंबई, नहीं चाहिए बंबई की कमाई, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है, आप पैसों का इंतजाम करके फौरन चले आइए, कसम है आपको, आपकी खैरुन। चल भाई ब्लाउज लेना। अरे तू भी क्या याद करेगा कोई सेठ मिला।
अरे सुन, कोई बढ़िया मुझे माल की खबर हो तो बोलना, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पैसा है। बस अपने हाथ से तो कोई अड्डा नहीं बचा इधर बम्बई में, अपन तो नए की तलाश में घूमते रहते हैं। पैसे की कोई फिक्र नहीं, तू माल की बात करो। अपन तो नोट देखता है और तमाशा देखता है, नोटों का क्या है, दलालों का शहर है, टेलीफोन का कीमत है और आदमी भी सस्ता है, और फिर हजारों का बारह न्यारा तो मैं ही रोज करता हूँ, क्या समझे? नहीं चल जाने दे, तू नहीं समझे। वाले पास है उसके पीछे रोक। अम्मा को बहुत तकलीफ है, रोती रहती है, कहती है भैया को लिखो वापस घर चले आए, बहुत हो गया बंबई, नहीं चाहिए बंबई की कमाई, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है, आप पैसों का इंतजाम करके फौरन चले आइए, कसम है आपको। दद्दू, दद्दू, दद्दू हैं? नासिक गए हैं, दो चार दिन बाद आई हैं। कौनो खास काम रहा? नहीं कोई खास काम तो नहीं था। अच्छा अच्छा, इलेक्शन के बाद थोकड़ा तक नहीं बताया, माफ किया आप। वोट के वास्ते क्या मस्का मारता था? हाँ, बैंक का संडास बनवाएगा, रोड को पक्का करेगा, दो पाइप लगाएगा, अपने एरिया का अपना कंट्री बार होगा या कुछ। हाँ साला, पानी का टाइम कमती किया, अरे अपना हाल तो जनता कॉलोनी के माफी होने वाला है क्या? क्या हुआ भाई? अरे क्या बोले यार, हा? नोटिस आया है सबके पास। हाँ बोलते हैं कारपोरेशन की जगह पे हम लोग जबरदस्ती परवान की बिगर खोली बनवाया, 15 दिन में खाली करना होगा। देख नोटिस। अरे अगर नोटिस कोई गड़बड़ तो हम लोग सब टीके के पास जाएंगे। अरे वो क्या साला, फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाने वाला है कुत्रा भैंस का। लल्लू आया? आया यार। कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसा? कितना? लाख दो लाख। पेट के माफी जेब भी खा लिया अपना। ठीक है। क्यों, क्या हुआ, क्या बात है, कुछ खास बात है? खास बात नहीं। अरे ये सब सिनेमा के चोचले हैं, असली जिंदगी से वास्ता पड़े तो कांच निकला है। तुम कहाँ हो बाबू? स्टेरिंग पे बैठे बैठे राम प्रसाद की हड्डी अकड़ गई, कोनो सारा मोहब्बत जता रही है। क्या अपना अपना मुकद्दर का बात है, तू गाएगा रोला? अरे वो गाड़ी तो उनकी बाहर खड़ी है, पांडे जी दिखाई नहीं देते। अरे पांडे जी अंदर गए हैं भाई, इन गड़बड़ चल रही है भाई। कैसे आए रहे वो? हवा निकल ना, इधर का खाना अच्छा ना पानी। भाई ये पांडे जी हम आप ही का रास्ता देख रहे थे। क्या बताई, पेचिस है, सवेरे से 7 चक्कर हुई गए, पेचिस है बहुत, ना यहाँ का खाना अच्छा ना पानी, 12 बरस से पेट खराब है। कल लालच में आई के किलो भर लड्डू खींच गए, ब्राह्मण की जात न्योते की बात पूछ ली है सुना। भाई संडास की बहुत तकलीफ है इस शहर में। लल्लू कहाँ? सवेरे मिला रहा, हम आउट ढूंढ रहे हैं कब। हम टैक्सी ड्राइवरों की और तकलीफ है, तुम्हें ही बताओ, लेडीज सवारी बैठी है तो क्या कही। इधर आने को डॉक्टर ने बुला दिया। पंडित जी कहीं जरूरी काम है। हाँ कहा बतावा, कहा बात? वो ऐसा है कि थोड़ा पैसा चाहिए। देर कह दियो गुलाम, तनिक पहले आ जाते। सवेरे ही 500 रुपए का मैंने ऑर्डर किया हूं, 2-3 रुपए का भाड़ा मारा, ऊपर से पेचिस। अब कहा के Oh,
सीने में जलन आंखों में का कितना पगार होता है काका? 20 ऊपर 4,000, 24,000, समझता है क्या? यशोधरा जाने को नहीं मानता, साला कितना बुमाबुम है। अरे उसका फिकर नहीं, वो जरूर जाएगा। दुबई मस्कत जिधर भी हम बोलेगा वो जरूर जाएगा। साले फड़ खाओ, लालू को देख के खोपड़ी फिर जाता है अपना। अपुन को तो लगता है उसके सीने पे 7 का आंकड़ा बनाना पड़ेगा, सारे को छोड़ेगा नहीं। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी है, हाथ पर बांध के भेज देंगे। जब भी मिलता यही बोलता है, कोई दूसरा बात नहीं। मेरे वासुपन काका चपांदे मजे आला। आ गया तू, कुछ हुआ इंतजाम? नहीं यार,
ठीक है, हो जाएगा। लल्लू आया, छोकरी भी है साथ, जाओ जाओ। पर मैं भी देखेगी। अरे लेकिन सलाम। आओ आओ गुलाम आओ। क्या बात है भाई? अरे कुछ नहीं, खामखा परेशान हो रही है वो बासु और वो गणपत, इसको दुबई भेजने तुले हुए। अभी यही बात कर रहे थे वो लोग। क्या बोलते थे, किधर? बाजू की होटल में चाय पी रहे थे। इला, बाप का ये हाल है और बेटा हथेली पर सरसों जमाए फिर रहा है। वो लोग को कोई 2 बरस का पगार एडवांस देने को बोला है। ये भी कह रहे थे। मैं नहीं जाएगी, बोलने दो उनको। तू इत्मीनान रख, मैं सब देख लूंगा। तू खोली का बंदोबस्त कर ले, समझ सब देख लिया। ए गुलाम, कहा है तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहे हैं, बोलना। पैसा कहां से आई है? एक्सरे और बाकी इलाज में 400-500 रुपया तो लग ही जाएगा। चला दद्दू के पास, सब ठीक हो जाए। गए रहन, मिले नहीं। दद्दू नासिक गए, परसों आएंगे। खैर, थोड़ा पैसा है मेरे पास, मैं दे देगी। तुम रहन दो, सुबह मैं इंतजाम कर दूंगा। कायको, ये पैसा नहीं क्या? ए गुलाम, हम कल पैसे का इंतजाम कर देंगे, तुम ताज में मिलना हमको, और ये पैसा मनी ऑर्डर करके भेज देना, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं डबल खर्चा करने के लिए, समझे? कितना हुआ? 3 रुपया 15 पैसा। छुट्टा नहीं है मैम साहब, फेरों में ऊपर से भिजवाती हूँ। पैसों का इंतजाम करके फौरन चले आइए, कसम है आपको। लीजिए,
अब 15 पैसा छुट्टा आपके पास नहीं है। नेम साहब बोला रख लो। हाँ का इंतजाम बवाए, समझे? अब जड्डू आए तो लौटा देना, ठीक है? हम्म, समझा दे। हाथ जानता है? क्या भांडा खराब किया? किधर किया?
अरे मैं इसका भांडा नहीं, ये लोग मेरा जिंदगी खराब किया, मेरा सब पेट्रोल। वो तो मैं ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। लाएगा लाएगा बिल्कुल, बहुत अच्छे चुप गए थे। अब तुम घर चले, किधर किधर से आते हैं यहाँ? कल मैं फार्म लाएगा, तेरा सही करके वापस करने का है, समझते है क्या? तुम लोगों की समझ में पड़ता नहीं क्या? कितना टाइम बोली मैं नहीं जाएगी, मेरा अपना भी तो जिंदगी है। अपना जिंदगी? अरे अपना जिंदगी के वास्ते सबका जिंदगी बिगाड़ देगी क्या? काय रे वासु, वो नहीं जाना मांगती तो तेरे को क्या शर्म नहीं आती? कुछ काम धंधा देख। इधर भी नहीं है। अरे उसका जरूरत नहीं होएगा। अरे आई तेरे को मालूम नहीं कितना पैसा है उधर? पैसे के वास्ते बहन को कोटे पे बिठा देगा, हलकट नालायक। यशोधरा जबान खींच लूंगा मैं। अरे तू क्या जबान खींच लेगा, और सुन ले, काका को भी बोल देना मैं नहीं जाएगी है? मैं नहीं जाएगी, समझा? अरे हाँ समझा समझा। ओ लालू के बिना चैन नहीं तेरे को। वासु जरा चुप रहना। अरे हाँ मेरे चुप होने से क्या होता है? यार लल्लू, अगर फसाद की सारी जड़ या सारी खोली है तो कहने तुम दद्दू से 2-5 हजार उधार मांग लेते? हाँ, हाँ। अरे वही मां हंसी का बात है। अरे तुहार बचपने पे हंसी आते। अरे आदमी की औकात देखकर पैसा मिलत है कहां हमारे पास, और कहां गारंटी के पैसा लौटा दे? जबान खाली जाएगी और रिश्ते में दरार आया अलग से। क्या हुआ? 12 बज रहे, शीशा दिखाओ इनका। तुम देखो शीशा, मेरे को कुछ नहीं हो गया। अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो। कुछ नहीं लालू, मेरी समझ में नहीं आता तुम इतना ऐसा खराब है ना? मेरी खराबी यह है कि मैं गरीब हूं, टैक्सी वाला हूं। इधर चलो, जो भी आता है दम दे के चला जाता है, यही खराबी है ना? लालू मैं तेरे को कुछ बोली क्या? नहीं नहीं, तू क्या बोली, हम ही बोले हैं। लालू जरा, घर में सब ठीक है ना? किधर बराबर है, जीना हराम कर दिया है मेरा, बोलता है कल फॉर्म पर साइन करने का। लालू चलो। किधर? बस इधर से चलो। चलो अच्छा हम जाते हैं। हरिओम। अरे अभी आता है तू, भाटिया के पास गया था फार्म के लिए? काय का फार्म, अब तो वो भी फर गई, साहब बोल दिया नहीं जाएगी, बोली काका को भी बोल देना। ऐसा किस लिए? 100 बात का 1 बात लालू। यशोधरा अभी खोली पे है? मैं उसे अभी देख के आ रहा हूं लालू के साथ। भाड़खाऊ लालू का टाइम आ गया है। काका मुझे मालूम है कहां है वो लोग।
लालू। क्या है? तू यशोधरा बोलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तू तो हमेशा दम देते रहती है। वो तो ऐसा ही रे। लेकिन तेरा दम देना भी अच्छा लगता है। ले जा यशोधरा, मेरे को बिल्कुल ऐसे बच्चा चाहिए, गोल मटोल अंग्रेज के मां। पन वो बच्चा रहेगा किधर? नाराज हो गया रे? नहीं रे, सोच रहा था बच्चा रहेगा किधर। Thank you.
ये जो लल्लूलाल खिलाड़ी है ना, बहुत खराब और निकम्मा है, इसे माफ कर दो, नहीं तो मैं। चुप रहे। तुम्हें घर छोड़ दूँ। घर? उसे घर बोलता है तू? मैं मर जाएगी पर वो घर में वापस नहीं जाएगी, सोच लिया? जिद नहीं करते, दो चार दिन की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा, फिर अपन ठाट करेंगे बिंदास। चल अब रोना बंद कर, मैं तो तेरे आंसुओं में मेरा दिल डूब जाएगा। तेरा तो आदत है मस्करी करके पार टालने का, मेरे को पता नहीं क्या। दो बरस बीत गए, एक दो दिवस करके तेरे को कुछ सचमुच लगता नहीं। चसुतरा, भरोसा नहीं रहा मुझ पर? हो भी कैसे, करीबी सब कुछ निकल जाती रे, विश्वास भी। कल का दिन रुक जाओ, परसों अगर खुली का इंतजाम नहीं किया तो मैं टैक्सी चलाना छोड़ूं, तेरी कसम। पर मैं एक दिवस के लिए भी उस घर में वापस नहीं जाएगी। सिर्फ एक दिन जसोदरा, चलो अभी होटल में कमरा ले लेते, एक दिन के लिए तू घर चले जा, परसों से अपनी नई जिंदगी स्टार्ट, तू और मैं बस। हाँ? मुस्कुरा दे नरी, मुस्कुरा दे। ये जसोदरा, मगर सोच ले, जहां भी मिले, जैसी भी जगह मिले, अच्छी खराब रहेगी मेरे साथ। क्या हुआ रे? लगता पंक्चर हो गया। का गैर है लल्लू, लौट के आए तो टायर पंचर नहीं, डिक्की से टायर निकालने लगे, फसाद शुरू हो गया। लल्लू के घर बंद, दिमाग से डॉक्टर लोग बहुत कोशिश की मगर बच नहीं पाए। लल्लू का कुंदन का शरीर रहा बहुत हसमुख, होने का लिखा होने के हाथ। क्या करता है, है? किधर जाता है? कभी आएगा? कभी नहीं। मस्करी करता है क्या? अच्छा तुम बोला था ना पेट्रोल देने को, अभी दे ना।
अब बोल, अब आया हूं मैं यहां। बोल बोल, कर दू रात तेरे को है? बोल, अरे बहुत दादागिरी की तुम मेरे को है? आज देखेंगे, आज सारा छोड़ेगा नहीं तेरे को है? पेट्रोल आज मिल गया मेरे को, नहीं तो देखेंगे मैं क्या करता है। डर गया ना? अब तुम हाथ पाँव भी जोड़ेगा ना तो शंकर तुझे छोड़ने वाला नहीं। साला तूने मेरा जिंदगी, साला मैं मेरे को रोड से उतार दिया तुमने, तूने मेरा ब्रेक डाउन कर दिया। आज आज देखेगा तू जाएगा किधर है? साला साला तेरे को छोड़ेगा नहीं रे, छोड़ेगा नहीं। करिए घर का क्या हुई है? आधे से ज्यादा पैसा तो आए जाए में लग जाइए, बच्चे का हाथ में फिर Thank you.
रस के भरे तोरे नैने सवरिया रस